हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। देखिए तो किस तरह से बहुत ही मोटा हो गया है चेहरा। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा एक दो दिन में ठीक, लेकिन बहुत ही गंदा लग रहा है मुझे। और फिर मैंने इसको छुपाने के लिया था किया था थोड़ा सा मेकअप, और मेकअप से भी ये कुछ जा नहीं रहा है। और अब मैं करूँगी यहाँ की थोड़ी सी साफ सफाई, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर कर दिया है बहुत ही बुरा हाल। तो हर रोज बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं, और कल मैंने शाम को ही धोए थे थोड़े से कपड़े। तो सबसे पहले तो मैं उनको ही लगा लेती हूँ, उसके बाद करूंगी बाकी का काम। सारी जितनी भी साफ सफाई है तो वही करूंगी मैं, लेकिन चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ अपने डेली रूटीन पे और लग चुकी हूँ सुबह के जो भी काम होते हैं छोटे मोटे से। तो शाम को ही धोए हुए कपड़े मैंने सुबह सुबह डाल दिए थे, क्योंकि आजकल कोहरा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो थोड़ी बहुत अगर धूप निकलेगी तो जितनी भी मतलब सेम इनके अंदर है तो वो निकल जाएगी, क्योंकि पहले ड्रायर में मैंने सुखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनमें सेम सी रह जाती है। तो वही निकालने के लिए फिर मैंने तो इनको देखिए जी, लगा अब मैं दिया था लगती हूँ बाहर। यहाँ पर, और सारी साफ सफाई करने के बाद फिर जाके आपसे मिलती हूँ। और फिर वापस सारी से वहीं साफ स्टोर रूम सफाई में आ करना चुकी बहुत हूँ ही मैं, जरूरी क्योंकि है, यहाँ पर कर रखा है बच्चों ने क्योंकि बहुत ही बच्चों ने ज़्यादा कर रखा गंदगी, है क्योंकि बहुत ही यहीं आकर ज़्यादा दोनों गंद। बच्चियाँ खेलती हैं, और और बाहर धूप में जब बिठाती हूँ वो नहीं बैठती हैं। तो इधर एक चारपाई है तो उसी को बिछाकर और उसी पर अपने खेल खिलौने रखे रहते हैं। तो आप भी देखिए किस तरह से मतलब बच्चों ने मचा रखी है गंदगी। तो सारी जो पेटियां वगैरह हैं तो उन पर चढ़ चढ़ कर वो सारे जितने बर्तन हैं और जितने कपड़े हैं वो सारे उन्होंने नीचे ढेर लगा कर रख दिया है। तो जितने भी कपड़े हैं मैंने सुबह सुबह उनको तय लगा कर और एक क्रेट में रखा हुआ है, और छोटे मोटे जो भी कपड़े हैं पुराने तो वो सब मैंने यहीं पे स्टोर करके रखे हुए हैं, क्योंकि अभी कोई इतना मतलब मेरे पास जुगाड़ नहीं है उधर नए वाले जो मकान है उनमें रखने का। तो इसीलिए इधर ही मैं रखती हूँ जितने भी मेरे पास खाली कार्टन हैं या ये बक्से हैं जो छोटे वाले, तो उनमें सभी में मैंने कपड़े ही भर के रखे हुए हैं। तो देखिए जी, पेटियों के जो कवर हैं सिलकर मैंने बोरियों के रखे हुए हैं उनके ऊपर, ताकि गंदगी ना इन पर जमा हो। लेकिन बच्चे हैं कि कहाँ मानते हैं, सारे कवर वगैरह निकाल कर और नीचे उन्होंने गिरा दिए हैं। तो आज सुबह ही मैंने इनको फिर से थोड़ा थोड़ा सा सेट किया है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर से बच्चों ने आ जाना है इधर ही, तो उन्होंने तो अपनी कार्रवाई में फिर से लग जाना है। और चलिए फिर भी थोड़ा सा कर देती हूँ, मेरी तबीयत अभी कुछ थोड़ी ठीक नहीं है आजकल। तो गालों पे वो जो निकलता है कान के साइड में, कनेडू यहाँ पे कहते हैं उसको, तो वही निकला हुआ है, उससे बुखार वगैरह भी आता है और खाना खाने में और पानी पीने में भी दिक्कत रहती है। तो सारा मतलब जितना भी था मैंने समेट कर और रख दिया, और ये जिनमें मैं बर्तन सॉरी कपड़े वगैरह धोती हूँ, टप होते हैं जो बड़े बड़े पानी वाले, तो वो भी बच्चों ने नीचे गिरा कर रखे हैं, क्योंकि इनमें भी अंदर बैठ जाते हैं वो, तो उनकी भी मतलब गाड़ी चलाते हैं। और उसके बाद जितनी भी जालियाँ वगैरह लगी हुई थी तो उनको उतारने में मैं लग गई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा लगा देती हूँ इधर झाड़ू। वैसे झाड़ू पोछा पोछा तो खैर यहाँ पर लगता नहीं, लेकिन झाड़ू झूड़ू मैं लगा देती हूँ, और पता नहीं लगता कि झाड़ू लगाया है कि नहीं, क्योंकि ये नीचे से थोड़े से कच्चे हैं इस तरह से। लेकिन मोटी मोटी जो गंदगी है उसको उठा देती हूँ, और फिर बच्चों के खेलने के लिए फिर से हो जाएगा। और
इतने गंदगी में पता भी नहीं चलता और बहुत ही गंदा हो रखा था। तो आज गई मैं, वैसे दूसरे तीसरे दिन मैं इसको साफ कर ही देती हूँ। हर रोज तो मुझे यहाँ पर टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आजकल मेरे बच्चे की हितू की भी तबीयत बहुत खराब चल रही है, तो उसकी देखभाल में बहुत ही कम टाइम मिल पाता है। और उसके बाद जितना मतलब काम था उसको निपटा कर फिर मैं आ गई थी अंदर, और बच्चे मेरे तीनों स्टार बैठे हुए थे और देख रहे हैं टीवी मस्त होकर। तो सबसे पहले इनके कमरे को ही ठीक कर लेती हूँ। तो देखिए हालत, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल ही का काम है साफ सफाई। और सारा काम हो जाने के बाद ये है दोपहर बाद का टाइम, तो शाम की सब्जी की तैयारियां हो रही हैं। तो आपको याद होगा ये है कचाली जो आपके सामने मैंने निकाली थी अपने किचन गार्डन से। तो ये 4 से 5 लगी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी, और मैं आज इसी को बनाने वाली हूँ। तो आपको भी बताऊंगी रेसिपी की कैसे बनाती हूँ मैं इसको। वैसे इसको फ्राई करके भी बनाते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन इस बार किसी को फ्राइड खाना नहीं था तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से ही बना दी। और सबसे पहले मैंने इसके छिलके उतार लिए थे और उसके बाद इसको कर लिया था छोटे छोटे पीसीस में कट। और कुकर में भी बन जाती है ये, 2 सीटियां लगाने के बाद बहुत ही अच्छे से गल जाती है, लेकिन मैंने खुले बर्तन में ही बनाई थी ये। तो सारा मसाला मैंने बाहर ही तैयार कर लिया था, जो भी डलता है प्याज वगैरह सब कुछ मैंने मोटी मोटी सी काट ली थी। और अंदर आकर फिर लहसुन अदरक जो होता है वो मैंने इस कुंडी के अंदर कूट लिया था, और कूट कर जो मसाला रखा था, और ये खड़े मसाले हैं जीरा धनिया और मेथी, ये मैंने डाले थे खड़े मसाले। और एक डाला था दालचीनी का टुकड़ा। तो ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है सरसों का, जितना मतलब हर रोज़ तड़के के लिए लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया था, आधी कड़छी, क्योंकि मुझे ये थोड़े देर के लिए तड़के के साथ इनको भूनना है। और इसमें टमाटर भी डाले जाते हैं, जैसे तड़का हो गया तो टमाटर इसमें डाल दो कट करके, लेकिन मेरे पास आज थे नहीं तो मैंने सिंपल तरीके से ही बना दी थी। और इस तरह से जब मैंने ये तड़का मेरा हो गया था सारे मसाले वगैरह डालने के बाद, मैंने 5 मिनट के लिए इसको भूना था गैस पर ही। तो भूनने के बाद जब मेरे पूरे 5 मिनट हो गए थे तो मैंने डाल दिया इसमें गर्म पानी, क्योंकि ठंडा पानी नहीं इसके अंदर डालते तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता और इससे टेस्ट बरकरार रहता है। तो मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिए थे, 2 छोटे वाले जो जग होते हैं वो भर के, क्योंकि हमको ग्रेवी वाली चाहिए और मुझे बनाने हैं चावल। तो इस तरह से फिर रखी मैंने चूल्हे पर, और ये हो तो गई इसी के इसलिए साथ चाहिए बन फ्रेंड्स कर वीडियो तैयार। का करती हूँ मैं एंड। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बाय।